सावधान, मनु भैया आ गए हैं, पैंट गीली हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इसलिए है क्योंकि आपको आपकी बीमारी नहीं है डॉक्टर की। अगर आपको डॉक्टर की बीमारी होती तो एक साल आपने आयुर्वेदिक खाई, एलोपैथिक खाई। एलोपैथिक कितने साल खाई? बाकी के 13 साल या 14 साल, 6 साल एलोपैथिक खाई, फिर भी बीच बीच में हॉस्पिटल में दिखाते रहे बड़े बड़े डॉक्टरों को। इतनी सारी रिपोर्ट होंगी इसकी, रिपोर्ट है आपके पास, घर पे हैं, इतनी सारी रिपोर्ट्स होंगी। तो डॉक्टर्स वो मनु भैया इन ऐसे ही है ना, कहाँ तक पढ़े हुआ? पांचवी क्लास तक पढ़े हैं, क्योंकि आपको बीमारी हुए बहुत लंबा समय है। आपकी इनकी उम्र कितनी है? 28वें वर्ष में आ गई है, लेकिन बीमारी है 15 साल से, तब आना जाना दूभर हो गया। तो 5-5, 10 साल के बाद इनको 15 और 10, 25, 10 साल के बाद इनको, 10-11 साल के बाद इनको ये हो गया, तब इनकी पढ़ाई छूट गई और दर्द बढ़ता गया। आपने सोचा और ये ऐसे हो गई कि कलम पकड़ने लायक नहीं रही है ना, तब भी ऐसे ही हो गई थी। और इतने सालों से लगातार ये बच्ची दर्द को झेल रही है, इसकी पीड़ा, इसकी व्यथा ना कोई डॉक्टर ने ठीक की, ना किसी एलोपैथी महाराज ने ठीक की, ना किसी भक्त ने ठीक की, ना किसी तंत्र मंत्र यंत्र क्रिया करने वाले ने ठीक की, और ना तांत्रिक से ठीक की। तब कहाँ आई थी मनु भैया? क्यों वीडियो किसने देखी सबसे पहले? ये हाँ, तो इसमें ये इसलिए लेके आया, इसका 4000 रुपये महीने का मिल रहा था, इसको कल कराना चाहता था, समझने में ना। क्या नाम है इसका भाई का? और तेरा नाम तो तेरा अच्छा है, हैं ललिता, तुझे पता है माता लक्ष्मी का भी नाम है, हैं खुश मेरी।